नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को कहा, हरामखोर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम शिवशक्ति के विरोध करने पर रशीद अल्वी पर भी साधा निशाना। वीरेंद्र सिंह मस्त भाजपा सांसद। खबर बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान की बीपी नरसिंह रॉय बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा था तो वो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री क्यों थे। ये लोग राजनीति में भरोसा का संकट पैदा करने वाले हरामखोर राजनीतिक लोग हैं। वही पीएम मोदी द्वारा चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति का नाम देने पर रशीद अल्वी के विरोध पर चुटकी लेते हुए कहा कि रशीद अल्वी हर चीज में हिंदू और मुसलमान के ध्यान पर ही देखते हैं। शिवजी पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। शिवजी के लिए कहना चाहिए कि भूत पिशाच गोजर सांप पुरुष नारी सबके कल्याण करने के वाले शिव हैं। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया। कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जहां उतरा है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, लेकिन कांग्रेस के एक नेता रशीद अल्वी को ये खटक रहा है। वो ये कह रहे हैं साहब कि हम चंद्रमा के कोई मालिक थोड़ी रहे हैं कि वहां पर नामकरण कर देंगे। रशीद अल्वी हर चीज़ों को हिंदू और मुसलमान के ही ध्यान से देखते हैं, तो मैं प्रार्थना करूँगा शिव जी से कि उनके बुद्धि का सुधार कर। लेकिन जिस तरीके से शिव जी पूरे ब्रह्मांड के देवता है और शिव जी के लिए कहना चाहिए कि विकास सब गोजर सांप और पुरुष नारी सबके कल्याण करने के लिए शिव का शब्द का मतलब होता है कल्याण करना। वो रशीद अल्वी का भी कल्याण करते हैं और मायावती का भी कल्याण करते हैं और मोहम्मद यूनुस का भी कल्याण करते हैं, हाजी इमाम का भी कल्याण करते हैं। और रशीद अल्वी को उनको अस्पताल में कहीं दवा कराने के लिए जाना चाहिए कि क्या कह रहे हैं भारत में जाना चाहिए। राहुल गांधी अभी लद्दाख के दौरे पर थे, जब प्रधानमंत्री मेरे दौरे पर थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लद्दाख जो है बॉर्डर पे चीन ने हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, ताबीज़ है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक इंच जमीन हमारे चीन ने कब्जा नहीं किया है, जो कि सरासर गलत है। राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी किसी बयान को मैं गंभीरता से कभी नहीं देखता। क्या किस तरीके से देखते हैं? क्या चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा? इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? राहुल गांधी क्या संसद में बोलते हैं, संसद के बाहर बोलते हैं। मैं उनको कभी भारत का गंभीर नागरिक मानता ही नहीं। मणिशंकर अय्यर ने अभी अपनी एक किताब लॉन्च की है जिसमें उन्होंने ये माना है कि बाबरी विध्वंस के दौरान उनके अपने ही प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव को उन्होंने बताया कि बीजेपी के वो पहले प्रधानमंत्री थे। क्या कहना चाहेंगे? तो उस वक्त में मंत्रिमंडल में मंत्री थे। ये लोग राजनीति में भरोसे का संकट पैदा करने वाले हरामखोर राजनीतिक। तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने जो शिलान्यास किया था राम जन्मभूमि का वो गलत था। तो उनसे ना पूछा जाना चाहिए कि क्यों गलत कर रहे हैं, फिर कांग्रेस में क्यों है। अंत में सिर्फ एक बात, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं और अगर आज हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो कल खालिस्तान की बात होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बात का उत्तर देना मैं मुनासिब समझता हूँ ना मुनासिब। थैंक यू सर, थैंक यू।